अरे चिंटू भाई, अब आएंगे ना मजी। फ्रेंगल भैया मस्त करके सो रहे हैं, लेकिन गाइज जब फ्रेंगल भैया उठेंगे ना, जब इनको पता लगेगा हमने फ्रेंगल भैया को टकला कर दिया। गाइज अभी अभी मैंने और चिंटू ने प्लान बनाया कि फ्रेंगल भैया के ना बाल काट देते हैं, और गाइज हमने ना अभी अभी यार फ्रेंगल भैया को टकला कर दिया, और फ्रेंगल भैया को पता भी नहीं लगा, वो तो यार सो रहे हैं। और आपको पता है गाइज हमने उनको टकला क्यों करा है? भाभी आपने यार पहली बात फ्रेंगल भैया को बताना मत कि हमने उनको टकला कर दिया, कहीं फ्रेंगल भैया जागे और भाभी बता दे कि यार टकला फ्रेंगल भैया को हमने करा है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ आखिरकार मैंने और चिंटू ने मिलकर फ्रेंगल भैया को टकला क्यों करा। क्योंकि गाइज मैं और चिंटू ने भाई पैसे जमा कर रहे थे अपनी गुल्लक में, और भाई हमारे पास पूरे के पूरे 40 रुपए भी हो गए थे, लेकिन गाइज फ्रेंकल भैया ने भाई वो 40 रुपए निकाले, और पता नहीं भाई उन्होंने यार अपने लिए क्या खरीद लिया 40 रुपए का। हाँ तो गाइज इसलिए हमने यार अपना बदला लेने के लिए यार फ्रेंकल भैया को गंजाई कर दिया। चल चिंटू भाई अब मजे से बैठ के टीवी देखते हैं, हमारा बदला पूरा हो गया, अब दोबारा से नई गुल्लक लाएंगे और उसमें पैसे जमा करेंगे और छुपा के रखेंगे उस गुल्लक का फ्रेंकल भैया से। अब यार आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मेरे पापा सिर्फ मुझे मारते ही रहते हैं और मेरे को हमेशा मारते हैं और मेरे पे अत्याचार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात मेरे पापा जी मिल लिए काफी ओपी वाली गाड़ी है, सुपर कार, और पता है वो कितने की? वो पूरी की पूरी 70 लाख रुपए की कार है। मेरे पापा जी रात मिल लिए 70 लाख की कार लाए। ये देखो ये है मेरी कार। मेरे पापा सिर्फ मुझे मारते नहीं है, मुझसे प्यार भी करते हैं। ये देखो क्या बढ़िया लग रही है। चल के सिंचन को दिखा के आता हूँ कि सिंचन के बच्चे देखो, तू हमेशा बोलता है कि मेरे पापा सिर्फ मुझे मारते हैं, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 70 लाख रुपए की गाड़ी लाए मिल लिए, किसी के पापा नहीं लाते इतनी महंगी गाड़ी। चलो बढ़िया करके सिंचन के घर पर ये पहुंच गया मैं। सिंचन के बच्चे अभी देख तेरे को मैं जलाता हूं कि देख मेरे पास क्या बढ़िया वाली गाड़ी है। तेरे पास तो कोई रिमोट कंट्रोल कार तक नहीं है, बहुत बढ़िया, इसे चलाने में मजा बहुत आ रहा है। लेकिन मेरे को अबे सिंचन के बच्चे बाहर निकल, एक बार बाहर निकल के देख भाई मेरे पास क्या बढ़िया वाली कार है। सिंचन किधर है तू? लगता है सिंचन का बच्चा सो रहा है। अरे यार ये तो गाइस लिटिल सिंघम की आवाज है। लिटिल सिंघम भाई हमारे घर के बाहर आके यार क्यों चिल्ला रहा है? जाकर देखना पड़ेगा, लगता है गाइस वो यार पिछली बार की पिटाई भूल गया, पिछली बार मैंने उसे बहुत मारा। अरे लिटिल सिंघम ये क्या, ये गाड़ी किसकी है? मेरे घर के बाहर यार ये गाड़ी को ले आया। अबे सिंचन के बच्चे मेरी गाड़ी है, मेरे पापा जी लाए, और धक्का मत दे मैं अमीर आदमी हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं भाई मैं विश्वास मान ही नहीं सकता, तेरे पापा ने भाई तेरे को ये गाड़ी क्यों दिलाई बता? तेरे पापा तेरे को कभी गाड़ी दिलाई नहीं सकते। सिंचन के बच्चे तू माने मत माने, मेरी गाड़ी है। अरे ला तो दिखा भाई चाबी, मैं चलाऊंगा इसको। नहीं नहीं सिंचन भाई, गरीब लोग इसको भाई नहीं चलाते। इसका मतलब तू मुझे गरीब बोला है? बेवकूफ भागिया से है, मेरे को चिढ़ाने आया। ओ सिंचन तू गरीब है? गरीब मैं अमीर हूँ, देख मेरे पास गाड़ी है। अरे गरीब मत बोल, ये ले निकल यहाँ से, और आज की बात दिख मत जाइए गली में। और बस सिंचन के बच्चे ये देखो क्या स्टाइल से बैठा, और स्टाइल से लेके जाऊंगा और तेरे घर के बाहर कभी जाऊंगा। अरे बाप रे मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा गाइस, लिटिल सिंघम की गाड़ी है यार। लिटिल सिंघम के पास गाड़ी कहाँ से गई? बढ़िया करके अब चाहता हूँ और मस्त करके अपने घर के बाहर इसको खड़ी करूंगा और साफ करूंगा। मुझे लगता है थोड़ी बहुत मिट्टी आ गई है मेरी गाड़ी पे। और लो घर पर पहुंच गया। हो मेरे प्यारे पापा जी खड़े हैं जिन्होंने मेरे को गिफ्ट करी है। पापा जी, पापा जी तुम्हें पता है मैंने यार सिंचन को दिखा दी गाड़ी, अभी अभी मैं गया था सिंचन घर और उसको दिखा दी। अरे क्या बोला तूने, सिंचन को दिखा दी? ये ले, देर से मैंने मना करा था ना किसी को ये गाड़ी मत दिखाइयो, ये गाड़ी बेवकूफ चोरी की है, चोरी की, मैं चोरी करके लाया था और तूने जाके सिंचन को दिखा भी दी। मैं तो देर से परेशानी आ गया हूं बेवकूफ, ये ले चोरी की गाड़ी थी, चोरी की, और तू दिखा करके आ गया। अब अगर पुलिस को पता लगा ना तो देख तेरे को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, और फिर उसके बाद जेल में छड़िए तू, तुझे बचाने भी दियाऊंगा। लगता है ये गाड़ी छुपा के रखनी पड़ेगी मेरे को। चलो यार लगता है गाइस सुबह हो गई, उठना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गाइस, रात तो भाई सच में काफी अच्छी नींद आई। वैसे गाइस रात को मैं काफी लेट सोया था, लेकिन फिर भी गाइस मेरे को नींद काफी अच्छी आई। और वेट ये मैं हूं क्या? अरे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं हूं, मेरे बाल कहां गए भाई? मेरे को अच्छे से याद है गाइस मैं भाई पूरे के पूरे 2 महीने से गया नहीं हूं भाई सैलून बाल कटाने के लिए, फिर भाई मेरे बाल कहां चले गए? अरे बापरे भाई मेरे को गंजा किसने कर दिया? ओ हेलो भाई मेरे को बताओ फटाफट से आखिरकार मैं गंजा कैसे हो गया? मैं मतलब रात को लेट सोया और सुबह को भाई लेट जागा हूं, तो इसका मतलब भाई तुम मेरे को मिलकर गंजा कर दोगे क्या? अरे यहां पर चिल्लाओ मत, समझ रहे हो हमने तुमको गंजा नहीं करा, हमें नहीं पता तुम्हारे बाल कहां गए। अरे यार ये भाई किस तरीके से बात कर रही है मेरी वाइफ। ओ हेलो सिंचन भाई, भाई प्लीज मेरे को बता मेरे बाल कहां गए। अरे फ्रेंगल भैया बाली और चिंटू और मैंने मिलकर तुमको गंजा कर दिया, हमने गंजा कराया तुमको। अब बात सब कुले तू, अब बात सब कुले, अब तो मैं तेरे को कलवे नहीं बात सब टकलू बोलूंगा। अब बात सब कलवे टकलू, बात सब क्या बढ़िया नाम लग रहा है तेरा टकलू, अब से बात सब तेरे को टकलू बोलूंगा। अब चौप चले जा, मेरे को वैसे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन सिंचन तूने भाई मेरे साथ ऐसा करा क्यों? क्योंकि फ्रेंगल भैया तुमने मेरी गिल्लक में से 40 रुपए निकाले, भाभी ने बताया। ओ सिंचन वो झूठ बोल रही है भाई, मैंने 40 रुपए नहीं निकाले भाई, तेरी भाभी ने, बल्कि सिंचन तेरी गुल्लक में से भाई मेरे सामने 40 रुपए निकाले और मेरा नाम लगा दिया, बताओ। अरे कब तक यहाँ पर मैं ऐसे छुपके बैठा रहूंगा? 2 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर छुपे छुपे, अब तो मुझको बहुत तेज भूख लग रही है, लगता है किसी के घर पर मुझको आक्रमण करना पड़ेगा और वहां पर जाके पूरा का पूरा खाना सफा चट करना पड़ेगा ताकि मुझे 4 दिन तक भूख ना लगे। ही बहुत अच्छा प्लान है,
लेकिन मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। और ये अपनी पावर से उड़ते हुए मैं जाऊंगा, और मुझे मेरे ख्याल से ये सामने वाला घर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लग गई, अरे यहाँ पर तो मनुष्य भी है, जल्दी उठ जाता हूँ, बहुत अच्छे। अरे फिर लग गई मेरे तो, उठना पड़ेगा। चलो चल के इसके घर में चलता हूँ, और घर में अगर कोई मेरे को दिखा तो छोड़ूंगा नहीं, उसको खा जाऊंगा। फिर गिर गया लगता है, अपनी पावरों को मैं भूलता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेरी पावर को मैं कभी भूलू ना। चलो घर में चलता हूँ, कोई है तो नहीं? नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी मुझे इन इंसानों से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इंसानों के पास बहुत यूनिक यूनिक हथियार होते हैं। एक हथियार का नाम मुझे पता है, गन। अगर इनके पास गन हुई तो गन से मार कर मुझे ये मार देंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वो सब छोड़ो, खाना का कुछ ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर बोतल रखी है, बोतल में क्या होगा? ओ मिल गया, खाने का सामान मिल गया। यहाँ पर कुत्ते का खाना है और यहाँ पर इंसानों का। अरे बाप रे, वो तितली कहाँ गई गाइस? अभी अभी मैंने और चिंटू ने देखा भाई, बहुत बड़ी तितली थी, और गाइस वो ऊपर से आई यहाँ पर गिरी, और उसके बाद पता नहीं कहाँ उड़ के चली गई। पता नहीं गाइस इतनी बड़ी तितली कहाँ से आ गई। अरे चाचू, लेकिन ये बताओ उस तितली का कलर क्या था? मैं तो उस तितली को देख भी नहीं पाया। अरे भाई वो तितली बहुत बड़ी थी यार, पता नहीं कहाँ चली गई गाइस। चलो गाइस घर में चलता हूँ यार, और फ्रेंगल भाई को बताता हूँ कि भाई हमारे घर में ना बहुत बड़ी वो आई तितली। और गाइस आपको पता है हमारे घर में ना सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं, तो अभी भाई कैमरों की फुटेज निकालता हूँ और देखता हूँ आखिरकार वो तितली कहाँ से हुई। अरे बाप रे, ये कौन है भूत? अरे सीट 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 गाइस, देखो यार दिन में हमारे घर में भूत आ गया। चिंटू चिंटू भाई बाहर निकल, घर में भूत है भाई, तेरे को खा जाएगा। फ्रेंगल भाई को जल्दी बुलाना होगा। गाइस हमारे घर में भूत है, और मैंने अपनी आंखों से देखा। फ्रेंगल भैया कहाँ? फ्रेंगल भैया घर के ऊपर यार भूत है, अपने सेकंड फ्लोर पे, जल्दी चलो। अबे सिंचन क्या बोल रहा है भाई, दिन में तुम लोगों ने भूत कहाँ से देख लिया? लगता है सिंचन भाई तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा फ्रेंगल भैया, जल्दी चलो, देखना पड़ेगा गाइस कहाँ भूत आ गया। और गाइस आप लोग यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जब तक गाइस मैं देखता हूँ कहाँ भूत आया। मुझे लगता है गाइस ये ना मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। चलो गाइस चलता हूँ भाई, लेकिन गाइस पता नहीं क्यों यार मेरे को ऊपर जाने में डर लग रहा है। मेरा ही घर है लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंगल भैया ऊपर भूत है इसलिए तुम डर रहे हो। अबे सिंचन भूत कहाँ से आ गया भाई हमारे घर में? पिछले 20 साल से मैं इसी घर में रह रहा हूँ, मेरे को तो भूत दिखा नहीं, लेकिन फिर भी गाइस देखता हूँ कहाँ है भाई भूत। मेरे को गाइस सच में नहीं दिख रहा यार, ये सिंचन का बच्चा मजाक कर रहा है। और वेट, वहाँ पर कोई तो है भाई सिंचन, ये कोई भूत भूत नहीं है मेरे ख्याल से सिंचन, ये कोई इंसान है जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा है। ओ हेलो भाई, हेलो कौन है? मेरे घर में क्या कर रहा है तू? अरे बाप रे, इंसानी कीड़े आ गए। अरे मैं यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं गाइस ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है भाई, ये किस टाइप का इंसान है भाई? नहीं ये इंसान भी नहीं है, तू है कौन? मेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ, बस मुझे भूख लग रही है और मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। मेरे घर से क्यों नहीं जाएगा भाई? अरे मुझे लगता है फ्रेंगल भाई ये ना कोई जानवर है, और इस जानवर के दो दो सींग भी है। देखो गाइस दो सींग है यार इसके। अरे सिंचन भाई तुझे सींग की पड़ी है भाई, ये अपने घर से निकलेगा या नहीं निकलेगा? गाइस मुझे नहीं पता, एक काम कर तू मेरे साथ बाहर आ, अगर तू बाहर आएगा तो पक्का भाई मैं तेरे को ये घर दे दूंगा हमेशा के लिए। अरे फ्रेंगल भाई तुम क्या बोल रहे हो भाई, बाल के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी कहीं चले गया क्या? अबे सिंचन चुप बैठ भाई, मैं एक स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ ताकि भाई हम इसे अपने घर से बाहर निकाल सके। और ये चेक करो गाइस, प्रॉपर भाई ये इस टाइम मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसका मतलब गाइस मेरे झांसे में फंस चुका है भाई ये। एक बार बस बाहर आ जाए उसके बाद तो गाइस मैं फटाफट से पुलिस को बुलाऊंगा, फिर गाइस पुलिस संभालेगी भाई इस कीड़े को, पता नहीं कहाँ से हमारे घर में आ गया। अगर आप लोगों को पता है तो गाइस यार जल्दी से कमेंट करके बताओ आखिरकार ये आया कहाँ से। तो भाई अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, तो मेरे घर में रहना क्यों चाहता है? लॉस सैंटोस में इतने सारे घर हैं, उनके पास जाकर रहना। अरे रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कहाँ रहता था, बहुत मजा आ गया। अरे बाप रे बच गया, अगर पावर का इस्तेमाल नहीं करा होता तो लग जाती। अरे लग गई। अरे बाप रे सिंचन भाई ये उड़ कैसे सकते है? अरे वाह बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंगल भैया, इसके पीछे जो पंखे हैं इसकी वजह से उड़ पा रहा है। अरे भाई तू जो कोई भी है प्लीज भाई ये वाली पावर भाई तू मेरे को भी देना, मैं भी भाई तेरे तरह उड़ना चाहता हूँ, मेरे को भी भाई उड़ना सिखा। अरे तुम मुझे अपने घर में रखोगे? भाई जरूर भाई घर में रखूंगा, बस भाई तू मेरे को एक बार उड़ना सिखा दे। अभी देता हूँ उड़ने वाली पावर ये झटके से, बहुत अच्छे कैसा लगा? अरे वाह सिंचन मेरे अंदर से तो भाई स्मोक निकल रहा है लगता है सिंचन, मेरे अंदर भाई ये बंदा पावर एक्टिवेट करा है। और भैया तुम मेरे को यार वो वाली रिमोट कंट्रोल कार दो। नहीं यार वो रिमोट कंट्रोल कार नहीं थी लिटिल सिगम के पास, वो बड़ी कार थी भाई, जो लिटिल सिगम के पास कार थी, प्लीज तुम मेरे को वो दो। अच्छा तुम्हें कार चाहिए, अभी सोचता हूँ कौन है ये लिटिल सिगम। अच्छा ये ले, यही कार है क्या? अरे हाँ भाई साहब यही कार थी लिटिल सिगम के पास। बढ़िया यार तुम तो यार सच में काफी ओपी हो, मजा ही आ गया गाइज। इसी बात पे गाइज आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार। सिंचन भाई कब पावर एक्टिवेट होगी, कब से भाई ये स्मोक निकल रहा है? और ये चेक करो गाइज फाइनली भाई ये स्मोक भी खत्म हो गया, लेकिन गाइज मेरे को भाई अभी भी उड़ना आया नहीं है, प्लीज भाई थोड़ी बहुत तो हेल्प कर तू मेरी। पता नहीं गाइज ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, उड़ने की कोशिश करो, अपने अंदर से आवाज लाओ, बहुत अच्छी।
पीछे, तुम तो उड़ने लग गए। अरे हाँ गाइस, मैं तो प्रॉपर हवा में उड़ रहा हूँ। और ये चेक करो भाई, किस स्पीड से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अरे बाप रे, लगेगी भाई बच गया। गाइस मैं समझ गया आखिरकार भाई उड़ते कैसे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है लैंड कैसे होना है। उड़ना तो आ गया लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी गाइस लैंड होना नहीं आ रहा। और वेट, ये क्या हुआ भाई, मैं घर पर कैसे आ गया, मैं कोई सपने में हूँ? अरे तुम सपने में नहीं हो, मैंने अपनी जादुई पावर से तुमको अपने सामने बुलाया, समझ रहे हो? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे अंदर पावर एक्टिवेट होगी, तुम जो सोचोगे वो होगा। क्या बात कर रहा है भाई, सच बोल रहा है क्या तू? अरे फ्रेंगल भाई कुछ सोच के देखो। ओ वेट, मैं सिंचन अपने मन में सोच रहा था कि मेरे बाल आ जाएं, और ये चेक करो गाइस, प्रॉपर भाई मेरे बाल आ गए। यार ये पावर तो सिंचन भाई सच में काफी ज्यादा ओपी है, मजा ही आ गया गाइस। लेट्स गो गाइस, कुछ और सोच के देखते हैं, मेरे कपड़े चेंज हो जाएं। और ये चेक करो गाइस, कपड़े भी चेंज हो गए, मजा ही आ रहा है गाइस, मुझे तो मजा आ रहा है भाई इस पावर को यूज करने में। अपनी गाड़ी के बारे में सोचता हूं, यहां पर एक गोल्ड की सुपर कार आ जाए। ये चेक करो गाइस, यहां पर तो अपने पास मर्सिडीज आ गई है, और साथ ही साथ में ये प्रॉपर भाई गोल्ड के अंदर कन्वर्ट है। लेट्स गो गाइस, मैं चल रहा हूं घूमने, मुझे कोई और घर में छोड़ कर आओ। अरे भाई अब कोई टेंशन नहीं, अब तो भाईचारा बन गया है, तुम भाई हमारे घर में रह करो। अरे ठीक है, तुम्हारे घर में तो रहूंगा, लेकिन अब देखो भाईचारा बन गया है तुम कह रही हो, तो प्लीज मेरे को नया घर दिलाओ, जब सिर्फ और सिर्फ पर्सनल में रहो। देख भाई तूने मेरे अंदर इतनी बढ़िया वाली पावर एक्टिवेट कर दिया है, अब इसी पावर को यूज करके भाई मैं पैसे बनाऊंगा, और उन पैसों से भाई तेरे लिए नया घर परचेज करूंगा। बता कैसी लगी स्कीम? बहुत अच्छी लगी। तो इसी बात पे गाइस आप लोग यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने तो इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या करोगे गाइस? फ्रैंकली सिंचन आपके भाई तो यार, बट और गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस यार आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यारा वाला बाय।